आपको इस ट्यूटोरियल के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं एक किड्स के टॉप पर काम कर रही हूँ। इनसाइड आउट करके सेल्फ हीलिंग मैट के ऊपर डॉट पेपर रखा है पहले, और उसके ऊपर वो किड्स टॉप रख के जितना पेपर जरूरत है सिर्फ उतना यूज करूंगी, बाकी मैं साइड पे कर दूंगी। मेक श्योर आपका जो टॉप है वो इनसाइड आउट है। उसकी जो फ्रंट साइड है वो बाहर रखते हुए आप इस टॉप को फोल्ड करें और मेक श्योर करें आपकी जो सारी साइड की सीम्स है वो ज्वाइन हो रही हो, बीच में एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक ना हो, ताकि आपकी जो मेजरमेंट्स करें या आप जिसको जब ट्रेस करें तो आपका कपड़ा अंदर फोल्ड ना हुआ हो। क्योंकि मैं डॉट पेपर यूज़ कर रही थी अपना, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी, तो इस वजह से मैंने अपने साइड से दोनों जगह से कट करके ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्रेट लाइन्स दो बनाऊंगी, ताकि मैं इस केवर टॉप की ट्रेसिंग बाद में कर सकूँ। जो इक्विपमेंट आसान लगता है वो इक्विपमेंट यूज़ करें, मैं स्कैपल यूज़ कर रही हूँ। वंस आपका डॉटेड पेपर रेडी है, आप टॉप का सेंटर फ्रंट उस लाइन पे रखें जो आपकी फाइन लाइन आपने कट की है। अगेन मेरे पास एक्स्ट्रा डॉटर पेपर जिसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने काट दिया। आपका फैब्रिक आपकी लाइन सेंटर फ्रंट डॉटर के सेंटर फ्रंट की लाइन के साथ मैच करो, क्योंकि हमने इसको ट्रेस करना है, और इसलिए मेक श्योर करें कि आपकी लाइंस मैच करें। मैं इस टॉप को लिटरली हर कोने से डॉटेड पेपर के ऊपर पिन करूंगी। साथ साथ मैंने अपनी जो मैंने नीचे की वेस्ट लाइन बनाई है उसकी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरे टॉप को पिन कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने थोड़ा पिन किया है ताकि ये अपनी जगह से शिफ्ट ना कर जाए, क्योंकि मुझे आर्म होल मुझे दिख नहीं रहा और मैं इसके नीचे ट्रेस नहीं कर सकती, तो इसकी मार्किंग के लिए मैंने इसको पिन डाउन नहीं किया। मेक श्योर आपकी जो लाइंस हैं वो एक तो डीप हों ताकि स्ट्रेट हों, और ये नेक क्योंकि मुझे पता है इतना डीप है तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और फिर मैं इसको ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लूँगी। मैंने बैक नेकलाइन बनाई है, उसके बाद शोल्डर लाइन के बाद आर्म होल के लिए मैं ट्रेसिंग व्हील यूज़ कर रही हूँ, और मैं आपको बताऊँ जैसा मैंने नेक के लिए यूज़ कर रही हूँ अभी, मैं इसी तरह ये आर्म होल के लिए यूज़ करूँगी। मुझे आर्म होल बनाने के लिए दोनों लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने एक लेयर हटा दी है, और नीचे वाली लेयर के साथ काम करके अपने स्लीव को स्ट्रेट कर दें। अगर उसमें कोई डार्ट टाइप शेप बन रही है तो वो आप मेक श्योर कि जो स्लीव की पैटर्न उसके अंदर जाए, आर्म होल के आपके नीचे पैटर्न ब्लॉक के नीचे फैब्रिक फोल्ड ना हो।
आपका डॉटेड पेपर थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, जिस वजह से आपको सिर्फ डॉट्स एंड होल्स दिखाई देंगे। आप साथ साथ इस पे पेंसिल ड्राइंग्स कर सकते हैं और ये लाइंस ज्वाइन कर सकते हैं डॉटेड लाइन, ताकि आपको पता हो कि आपका आर्म है सही शेप में ड्रॉ हो गया। अब देखिए, तो मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है और जो इसका पैटर्न का पीस है फैब्रिक का टॉप का, ये एग्जैक्टली सेम मैच कर रहे हैं। उसके बाद वंस मैं मेरी सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली है, मैंने अपना फैब्रिक हटा के अपनी लाइंस चेक करूँगी और जो इनकम्प्लीट लाइंस हैं या डॉट्स हैं उनको मैं ज्वाइन कर दूँगी। अभी मैं अपनी लाइंस को स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें सीम अलाउंस ऐड करनी है, तो मेरी लाइंस स्ट्रेट हों। ऐड करें आपकी मर्जी, 0.5 सेंटीमीटर करें या 1 सेंटीमीटर, मैं 1 सेंटीमीटर ऐड कर रही हूँ। तो 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस शर्ट की लेंथ पे, ये साइड सीम। जब आप नेक पर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बैक नेक की लाइन है जिसके हम सीम अलाउंस ऐड कर रहे हैं। इसका फ्रंट नेक भी था और वो थोड़ा सा डीप था, जिसकी मार्किंग मैंने पहले कर ली थी। अब मैं उन दो लाइंस को ज्वाइन करूँगी। ये बैक नेक की जो लाइंस हैं उनको मैं फ्रंट नेक की लाइंस के साथ ज्वाइन करूँगी और उसमें सीम अलाउंस भी ऐड कर दूँगी साथ ही। आपकी मार्किंग्स और आपकी लाइंस ज्वाइन हो चुकी हैं, सीम अलाउंस ऐड कर चुके हैं, तो आप अपने पैटर्न को काट सकते हैं।
कोई स्टेप नेसेसरी नहीं है। मैंने अपने टॉप को दोबारा पैटर्न के ऊपर रख के और उसके साथ चेक कर रही हूँ कि मेजरमेंट्स और लाइंस मैच कर रही हैं कि नहीं। बट अगर आप नोट करेंगे तो जो टॉप है उसकी सीम अलाउंस के ऊपर मेरे टॉप की सीम अलाउंस है। ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जब आप किसी कपड़े से पैटर्न बनाते हैं तो आपकी मेजरमेंट कभी ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होती। तो इसलिए बेटर कि आप जो पैटर्न बनाएं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर रख दें क्योंकि आप इसको हमेशा इसको वापस जाके ऑल्टर कर सकते हैं। मैं अपनी नेक एंड बैक नेक लाइंस चेक कर रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स ये मैंने प्रेसिंग व्हील से बनाई थी। चाहे तो जिस तरह मैंने अपनी सारी लाइंस डबल चेक कर रही हूँ आप भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेन लाइन मस्ट होनी चाहिए आपके पैटर्न पे ताकि जब आप इसको कट करें तो आपको पता हो कि आपने किस एंगल में इस पैटर्न को रख के काटना है। सेंटर फ्रंट लाइन मेरी नॉर्मली सेंटर फ्रंट लाइन जो है वो मेरी ग्रेन लाइन होती है। आप चाहें तो डिफरेंट पेन यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए ताकि आपके नोट्स आपको याद रहें। शो करें कि आप अपने पैटर्न पे कुछ बेसिक्स हमेशा लिखें ताकि व्हेन यू वांट टू कम बैक एंड आप इस पे दोबारा काम करना चाहें तो आपको याद हो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन या किस साइज़ के ऊपर काम किया था। तो आपका साइज़ होना चाहिए, कस्टमर नेम होना चाहिए और सीम अलाउंस जो आप ऐड कर चुके हैं वो आप लिख दें तो इस गुड। जस्ट बिल्कुल आखिर में मेक श्योर करें कि आप अपने नॉचेस डालना ना भूलें अपने पैटर्न पर।